नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। आज हमारे साथ जुड़ी है इंजीनियर राजश्री, बहुजन मुक्ति पार्टी की प्रेसिडेंट, महिला फ्रंट और सोशल एक्टिविटीज जो रह चुकी है, पूर्व विधानसभा उम्मीदवार 2019 दक्षिण नागपुर से रह चुकी है। इससे पहले हमारी उनसे बात हुई थी 14 अक्टूबर 2020 जब हम मिले थे दीक्षा भूमि में, और वहाँ एक सवाल उठा था सबके नज़र में कि ये हुईज इंजीनियर राजश्री। तो आज हम उन्हीं से जानते हैं कि राजश्री आखिर है कौन। तत्काल न्यूज में आपका स्वागत है राजश्री मैम। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी, जय संविधान। पिछले 2020 14 अक्टूबर को हमने दीक्षा भूमि के समिति ने जो फैसला लिया था, जो सरकार के तरफ से लिया फैसला है, वो समिति ने हमारे लोगों पे थोपा था और दीक्षा भूमि को बंद रखा था 14 अक्टूबर। ये हमारे बहुजन समाज के लिए, हमारे मूल निवासियों के लिए हमारा ऐतिहासिक पर्व है, और उस ऐतिहासिक पर्व यानी जिस दिन बाबा साहब ने 7 लाख लोगों के साथ दीक्षा भूमि पे धम्म की दीक्षा ली थी, बुद्ध धम्म की दीक्षा ली थी, इसका अर्थ ये क्रांति है। और क्रांति को अगर उस दिन बंद किया जाता है, क्रांति के दरवाजे, क्रांति जहाँ हुई थी उस जमी को बंद करना, वहाँ लोगों को बंद करना, इसका अर्थ यह होता है कि हमारे इतिहास को मिटाने की कोशिश की जा रही थी। और अगर हम उस वक्त अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करते तो लोगों को कैसे पता चलता कि यहाँ पे अन्याय अत्याचार हो रहा है, क्योंकि इतिहास ही आगे ये प्रूफ करता है कि हमारा क्या अस्तित्व था। और उसी अस्तित्व की लड़ाई हमारे तरफ से चालू की गई थी, और जिसे फिर बहुत बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क ने इसके ऊपर काम किया है, और ये जो समिति में लोग हैं इसे रद्द करने का मांग भी किया गया है। राजश्री मैडम से आज बात करने का हमारा एक बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि समाज में जो कुछ भी हो रहा है, विविध चर्चा हम आज उनके साथ करना चाहेंगे। पहला है कि RMBS के जो ट्रेड यूनियन है, उन्होंने ST बसेस जो प्राइवेट सेक्टर में जा रही उनके खिलाफ उन्होंने अपना कुछ कदम उठाया है, ठोस कदम उठाया ताकि वो प्राइवेट सेक्टर में ना जाए। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये अपने तरफ से क्या एक्टिविटीज़ दिखाएंगे उनके तरफ। जो RMBS ये बामसिप का ही ऑफशूट विंग है, और अभी जो हर सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, उसी तरह अब ST महामंडल का भी जो है प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, जिससे हमारे जो लोग मजदूर लोग हैं उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ता। प्राइवेटाइजेशन होना मतलब लोगों को उसके हक अधिकार से एक तरह से वंचित करना होता है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ के लिए उनको समझो पर 8 घंटे का अवधि होता था, वर्किंग आवर होता था, उस 8 घंटे के इसमें उनको जो उसका भुगतान मिलता है या जो पेमेंट पेड किया जाता है वो सरकारी नॉर्म के हिसाब से होता था। लेकिन जब प्राइवेटाइजेशन में आप चले जाते हो तो वो सरकारी नॉर्म्स के हिसाब से नहीं होता, वो इंडस्ट्री मालिक तय करता है कि उसको उसके काम का कितना पैसा देना चाहिए, है ना। और आजकल जो है मजदूर यूनियन का जो लॉ था उसमें भी काफ़ी चेंजेस कर दिए गए हैं, अमेंडमेंट हुए हैं, और वो ख़तरनाक अमेंडमेंट है जिसके कारण हमारे मजदूरों को आने वाले दिनों में इसका काफ़ी मतलब एक गुलाम वाली सिस्टम हमारे यहाँ जो पहले थी अंग्रेजों के ज़माने में, उसको एडिट करते हुए बाबा साहब ने ये वर्कर लॉ भी बनाया था, लेबर लॉ बनाया गया था, उसमें भी अमेंडमेंट की गई है। तो ये बहुत ख़तरनाक साजिश है, हमारे लोगों को गुलाम बनाने की तरफ, गुलामी की तरफ धकेला जा रहा है। RMBS ने जो राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संगठन है ये, और बामसेप कॉपचिट विंग है, और इन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है, ये प्राइवेटेशन के खिलाफ आवाज़ उठाई है ताकि उनके हक अधिकार के लिए वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से इस काले फित आंदोलन को जो 7 जून को हुआ, इसको पूरा हम साथ सहयोग कर रहे हैं, और अगर उन्होंने ये चीज़ को वापस नहीं लिया तो हम और तीव्र आंदोलन जो होगा उसमें भी उस संगठन का साथ सहयोग करेंगे, क्योंकि ये हमारे मूल निवासियों के अधिकारों का बात है और हम उनके अधिकार छीनने नहीं देंगे। पिछले महीने काफ़ी चर्चा का विषय रहा बोम्बाबम आंदोलन, जो किसानों के खेती के प्रोजेक्ट को लेकर था, उनके जीवन विज्ञान को लेकर था, उनके लिए जो नए अवसर आने वाले थे उसको लेकर था। तो आइए जानते हैं राजश्री मैम से कि आखिर ये क्या प्रोजेक्ट था, आखिर ये कैसा आंदोलन था। देखिए, बोम्बाबम आंदोलन यानी जब इंसान को कोई भी चीज़ के लिए शोषण किया जाता है तो लोग रास्ते पे उतरते हैं, है ना, लोग अपना गुस्सा और प्रतिक्रिया बाहर व्यक्त करते हैं, इसी के लिए ये बोम्बाबम आंदोलन किया गया था। और ये राज्य स्तर पे हर जिले में और हर तहसील प्लेस पे ये आंदोलन किया गया था।
नागपुर में भी जिलाधिकारी के सामने जब हमारे कार्यकर्ता और हम लोग जो है ये आंदोलन कर रहे थे, तो वहाँ के जो पुलिस कर्मचारी प्रशासन है उन्होंने हमारा बैनर ही निकाल के फेंक दिया था। ये काफ़ी वायरल भी हुआ था। तो प्रशासन ने एक्चुअली मतलब किस जो आवाज़ उठा रहे हैं, सामान्य लोगों के हित की आवाज़ उठा रहे हैं, उनको दबाने का काम किया। तो इसीलिए बहुजन मुक्ति पार्टी का ये जो बोम्बाबा आंदोलन था, ये ऐसा नहीं एक दिवसीय नहीं था। उन्होंने कहा था कि जब तक ये लोग उसका दखल नहीं लेंगे तब तक ये बोम्बाबा आंदोलन चलेगा। और जब उन्होंने ये पोस्टर निकाल भी लिया तब भी हमारे लोग वहाँ आंदोलन पे डटे हुए थे। और उसके बाद दूसरे ही दिन जो हमारा ये था कि किसानों को जैसे खाद का मूल्य दुगना कर दिया गया है, फिर उसका जो बीज होता है जिससे वो बुआई करता है उसका मूल्य दुगना कर दिया गया है, तो ये जो महंगाई उन्होंने बढ़ाई है, जबकि कोविड का आपातकाल चल रहा है, किसानों की भी हालत खच्चर है, सारा बिजनेस इंडस्ट्री बंद है, इस हालत में अगर आप दुगने दामों पे तेल के दाम बढ़ा दिए गए हैं, फिर बाकी फसल बाकी जो चीज़ें हैं उसके भी दाम बढ़ा दिए गए हैं, तो आप इतना महंगाई कर दोगे, महंगाई का अगर आप देखेंगे इंडेक्स उठा के, तो इतनी महंगाई अभी आज के इस दौरान चल रही है कि सामान्य इंसान उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो सरकार का ये हमने हमारे तरफ से ये था, मतलब हमने मांग की थी कि आप वो जो खाद के दाम है और वो बीज के दाम है उसको आप कम करिए, और साथ ही साथ उनको जो है कर्ज जो देते हैं, क्योंकि अभी ये बुआई का समय चल रहा है किसानों का, यहीं से फसल उगी जाएगी, तो ये बुआई के समय में उनको जो है व्यवस्था लगती है, धन की भी व्यवस्था लगती है, तो उसके थ्रू ये लोन वगैरह जो मिला देते हैं फार्मर्स को, इसका भी हमने मांग की है कि लोगों को मुहैया कराया जाए, कोरोना के नाम पर उनका शोषण ना किया जाए। और जो व्यवस्था चल रही थी कि 11 से 7 बजे तक ही ओपन था, तो जो आम लोग हैं, आम लोगों को एक तरह से कहा जाता 11 के 7 के बीच में, मतलब वो फल वालों जो वेंडर्स लोग थे या दुकानें खुल रही थी, जरूरी चीज़ की दुकानें थी, लेकिन उनको भी यह था कि 11 के बाद एक थोड़ा शटर भी रह गया तो उनके ऊपर फाइन करते थे, जुर्माना करते थे। लेकिन आप बताइए, रोज हर कोई जो है सवेरे नहीं उठता है, हर कोई सवेरे नहीं उठता है, हमारा सिस्टम जो है 9 बजे शुरू होती है, अभी जिस तरह का लाइफस्टाइल लोगों का चल रहा है, मतलब केवल 2 घंटा उसमें मिलेगा, तो वो क्या करेगा, उधर में भीड़ करेगा तो क्या होगा। आप एक तरह से कह रहे हैं कि हमको तो लोगों को सोशल डिस्टेंस रखना है और लोगों को बचाना है, आपने खुद समय कम करके एकदम से आपने एक तरह से खुद फैलाने का काम करा है। जो पहले भी कोविड जो है आप देखिए, हम कंट्रोल कर लिए थे पहली लहर, और दूसरी लहर क्यों फैली इतनी, क्योंकि दूसरे लहर में अवेयर नहीं किया गया, और खुद प्रधानमंत्री जो है बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, इलेक्शन लिया गया, जबकि आपको मालूम है आम इंसान से ज़्यादा सरकार को मालूम है क्या क्या होने वाला है, और उनको अंदेशा मिलता है, जितने रिसर्च डिपार्टमेंट है, IV डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट है जो उनको सूचनाएं देते हैं, वो WHO से रिलेटेड मतलब ज्वाइंट होते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है। जब उनको इतनी इन्फॉर्मेशन थी तब भी उन लोगों ने इतना बड़ा जो चुनाव लिया, विधानसभा चुनाव, वो तो होना ही नहीं चाहिए था, वो तो गलत है एक तरह से, कोविड प्रोटोकॉल जो आज लोगों को लगा रहे, लोगों को खाने के लिए बाहर नहीं निकालने दे रहे 11 बजे के बाद, और आपने इतना बड़ा चुनाव रैली किया है वहाँ पे, और जब तक चुनाव खत्म नहीं होते वहाँ पे कोई कोविड प्रोटेक्शन और प्रोटोकॉल नहीं दिया गया। तो ये तो सबसे सरासर बात तो सरकार ने फैलाया है। दूसरी बात आप ले सकते, गंगा मेला हो, कुंभ मेला हो, या लाखों में लोग नंगे होके वहाँ पे नहाते हैं, आप उन लोगों को क्या कहेंगे, उन्होंने ही तो सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर किया है एक तरह से अगर हम देखें तो। ये तो मतलब समझे मानव बॉम्ब टाइप में उन लोगों ने वहाँ डाला एक तरह से, क्योंकि वही लोग जब लौट के अपने राज्यों में गए तो कोविड की संख्या बढ़ चुकी थी। और फिर आप लोग महाराष्ट्र को ब्लेम करते हैं कि महाराष्ट्र सरकार कर नहीं पा रही है, ये केवल सरकार की बात नहीं है, इसमें हम पूरे देश के हर लोगों की जिम्मेदारी है, प्रशासन की भी, शासन की भी, और लोगों की भी। तो केवल लोगों को क्यों जवाबदार ठहराया जा रहा है, प्रशासन और शासन क्या कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ जितने कोविड केसेस हुए ये सेकेंड लहर में है ना, तो ये सेकेंड लहर में जो केसेस हुए हैं ये केवल 1% का लोग बीमार हुआ है, हमारे आबादी का केवल 1 या 2% आबादी, 1 या 2% आबादी केवल कोविड केसेस हुए हैं। तो हमारे यहाँ का पूरा हॉस्पिटल मैनेजमेंट ढल गया, बेड नहीं, ऑक्सीजन नहीं, ये क्या शेमफुल हमारे सामने थी कि 70 साल में भारत विकसनशील हो रहा है बता रहे हैं, और विकसनशील देश में क्या है कि उसका 2% आबादी अगर बीमार हो रही है तो हमारे यहाँ की पूरी व्यवस्था चुरमड़ा गई है, ये कितनी बेकार और शर्म की बात है। और आप लोग कहते हैं कि हम जो है भारत जो है विश्व विजेता बनेगा, कैसे विश्व विजेता, ऐसा 2% आबादी बीमार होने पर हल जाने वाला, इतनी आबादी तो हम बोल भी नहीं रहे, अगर समझो अपने यहाँ गलती से 10% अगर ये आबादी होती तो क्या सिस्टम हुआ रहता। और दूसरी ये चीज़, जैसे लोग कहते हैं कि कांग्रेस की जब सरकार थी है ना, उनके अस्पतालों में हमारा इलाज हो रहा है, BJP ने तो बनाया नहीं, उनको ऐसा कहना है, कांग्रेस ने जो बनाया था उस अस्पतालों में अगर हमारा इलाज हो रहा है, तो कांग्रेस ने भी केवल 1% लोगों का विचार किया था क्या,
70 साल उन्होंने पूरा ये हो रहा है, तो समझो 60 साल तो उसने कांग्रेस ने राज किया। और कांग्रेस बहुत छाती फुला के कह रहा है कि हमारे अस्पतालों में आप लोग भर्ती होकर इलाज कर रहे हैं। तो आपने भी केवल 1% लोगों के बारे में सोचा था क्या? तो वो 1% लोग कौन थे? केवल उच्च वर्णीय, केवल सवर्ण लोग थे क्या कि आम लोगों की बात की थी? उनकी तो 70% आबादी है हमारे देश में आम लोगों की, तो आपने कम से कम 40% का तो व्यवस्था करनी चाहिए। तो क्योंकि हो नहीं सकता कि 70% सारे बीमार पड़े, लेकिन 10% 20% पड़ते और 40% व्यवस्था हमारे पास होती तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि हमारे देश में ये जो सेकंड लेयर के कारण जितने युवा, इसमें युवाओं को टारगेट किया गया एक तरह से, जितने युवा लोग हमारे 70% युवाओं में से मतलब जितने केसेस हुए उसमें 70% युवाओं की डेथ हुई है, ये हमारे लोग आंकड़े नहीं बताते, इसका अर्थ क्या पता नहीं चलेगा? भैया आपने भी इन्फॉर्म, हमारे भी लोग हैं हर जगह है, वहाँ से वो लोग जब उनके ऊपर कुछ दिक्कत आती है तो लोग हमें फ़ोन करते हैं, लोग बताते हैं, क्योंकि हम लोग भी अपनी ज़मीन से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम उठ के जब ऊपर चेयर पे बैठ गए डायरेक्टली, ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं और हमारे पास सब ग्राउंड रिपोर्टें आती है जिसके कारण हमें बता सकते हैं कि जितना ये सेकेंड लहर में लोग मरे उतने फर्स्ट लहर में भी नहीं मरे हैं, क्योंकि सेकेंड लहर में अवेयर नहीं किया गया, उल्टा इसको बढ़ाने के लिए बड़ी बड़ी रैलियाँ, यानी बेजवाबदार गैर जवाबदारी वाली सरकार ने बात की, प्रशासन ने भी बात की, क्योंकि सरकार ने नहीं बोला लेकिन प्रशासन को भी अगर नोटिस मिलता है कि सेकेंड लहर आ सकती है तो उन्होंने क्या किया, है ना? तो इसीलिए ये जो बोम्बा बम आंदोलन था, ये जो इन्होंने लिमिटेशन दिया था कि 11 से 7 ही इस पे जो है बंद होना चाहिए, चालू होना चाहिए, तो हमने इसके खिलाफ भी आंदोलन किया था कि आप लोगों को ये एक्सटेंड करना चाहिए, क्योंकि लोगों को आंदोलन हो रहे हैं वहाँ पे तो मतलब आंकड़े दिखाई नहीं दे ना, जहाँ अभी आप देखिए किसान आंदोलन जो 6 महीने से ज़्यादा दिल्ली में अभी आंदोलन चल रहा है उसको 6 महीने से ज़्यादा, अगर ऐसा देखा गया तो उसको 1 साल से ज़्यादा हो रहा, क्योंकि पंजाब हरियाणा से ये आंदोलन चालू हुआ था किसानों का, और इस किसान आंदोलन को अब 1 साल हो रहा है। अगर हम आम लोग हैं, अगर सरकार कहती है हमको घरे में रहो क्योंकि आप आम लोग हैं आपको क्षति नहीं होना चाहिए, अगर हम भारत की जनता है तो क्या वो किसान जो रोडों पे बैठे हैं अभी भी क्या वो भारत की आम जनता नहीं है क्या? अगर वो आतंकवादी है तो अभी भी उनको तुरंत उठा के जेल में डाल देना चाहिए, लेकिन वो भारत की अगर जनता है तो इसकी जिम्मेदारी भी प्रधानमंत्री को लेनी पड़ेगी, वहाँ के सरकार को लेनी पड़ेगी कि भैया उनको जो है वो जो मांगे हैं उनकी वो उनको पूरी करके जो है उनको घर अपने वापसी करने दीजिए। आप उनका जो है बलिदान ले रहे हैं, आप उनको वो एक एक बलिदान दे रहे हैं, वो अपनी मांग के ऊपर डटे हुए क्योंकि उनकी मांग वाजिब है। एक बार अगर उन्होंने ये 3 काले बिल को मान लिया गया तो उनको दिख रहा है कि हमारा भविष्य खत्म है, और किसानों का भविष्य खत्म यानी किसान देश की जान है, और किसान का भविष्य खत्म यानी देश का भविष्य खत्म, ये एक सच्चाई है जिसको प्रधानमंत्री हो या यहाँ का सरकार हो यहाँ का आम जनता हो उनको मानना पड़ेगा। और इसीलिए उनकी जो डिमांड है वो 3 काले कानून रद्द होना ही चाहिए, इसके लिए वो डिमांड कर रहे हैं, उसको ये सरकार ने जो है मानना चाहिए। किसान आंदोलन की अगर बात निकली ही है तो पिछले 1 साल से माना जाए तो 1 ही साल से किसान दिल्ली पर अपना आंदोलन पूरे तरीके से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार को ये चीज़ें दिखती नहीं या फिर वो चीज़ें मानना ही नहीं चाहती, जो कि ये जो बिल है वो तो जो अपने देश के जो फार्मर्स है वो तो एक्सेप्ट करने वाले रहे, लेकिन इसके बावजूद भी 1 साल से कंटिन्यू सरकार तो सिर्फ देखने का ही काम कर रही है, इसके ऊपर तो कोई एक्शन तो लिया। बिल्कुल ऐसा हो गया है कि इसका सबसे बड़ा कारण EVM है, क्योंकि उनको मालूम है ये जो मर रहे हैं ये वोटर्स नहीं मर रहे हैं, ये आम लोग मर रहे हैं, क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता है कि वोटर्स मर रहा है, क्योंकि EVM के कारण हमारे वोट की वैल्यू 0 हो गई है। इस बात को बामसेफ ने और हम जितने भी ऑप्शुप संगठन हैं और अभी अदर पार्टीज़ में भी इस चीज़ को उठाया था कि जब तक EVM है इस देश में आज EVM ये है मनुस्मृति, क्योंकि EVM के कारण आपकी वोट की वैल्यू 0 हो गई है, इसलिए उनको मालूम है कि अगर इन्होंने हमको वोट दिया नहीं दिया तब भी हमको ही मिलने वाला है, क्योंकि कंट्रोल यूनिट हमारे हाथ में है, TV कोई भी देखे जिसके हाथ में रिमोट है वही बादशाह है। तो ये घमंडी रवैया जो सरकार दिखा रही है उसके पीछे यही रीज़न है, क्योंकि EVM उनके कब्जे में है, और वो EVM से अगर चुनाव होता है तो फिर भाजपा आएगी। ये 2019 का जो लोकसभा हुआ था इसी से पता चलता है, क्योंकि लोगों ने अगर जो लोग मारते हैं जो शोषण कर रहे हैं उसको कोई वोट दे ही नहीं सकता और फिर भी आ रहा है, इसका अर्थ क्या है? EVM में घोटाला करके आ रहा है, ये प्रूफ हो गया है। बाहरी देशों में इतने जहाँ पर ये बनती है EVM वहाँ पर भी यूज नहीं कर रहे हैं, तो फिर हमारे देश में इसको जबरदस्ती क्यों यूज़ किया जा रहा है? दूसरी बात कि यहाँ पे अभी जो उत्तर प्रदेश में हाल ही में पंचायती चुनाव हुए हैं और इसका रिपोर्ट हम आपको बताते हैं, वहाँ पे निर्दलीय और लोकल पार्टीज ज़्यादा आप चुन के आई है, उसमें यंगस्टर लोग चुन के आए हैं, जो प्रतिष्ठित पार्टियाँ जैसे बसपा है सपा है इनके जितने कैंडिडेट नहीं है उस तरह के उनके कैंडिडेट आए हैं, तो इससे पता चलता है कि लोगों में जो रोष है ये वहाँ दिख के गया। तो कैसे दिखा? क्योंकि वहाँ EVM से नहीं बैलेट पेपर से चुनाव हुआ।
तो बैलेट पेपर से चुनाव होने के बाद इनकी औकात दिख जाएगी, और इसीलिए बैलेट पेपर नहीं लाना चाहते, मुजोरी कर रहे हैं, तो उनको भी ये बता दे कि बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए आने वाले इलेक्शन में। अगर इन्होंने ईवीएम से चुनाव किया तो हम जो है इसके लिए कड़ा कदम उठाएंगे। बात अगर कोरोना की चल ही रही है तो सरकार की तरफ से हमको बार बार इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे थे, जैसे कि पहली लहर हो गई, दूसरी लहर हो गई, दूसरे लहर में ज़्यादा से ज़्यादा यंगस्टर्स की मौतें हो गई, शायद उनका आंकड़ा हमारे आज तक सामने भी नहीं आया कि कितने लोगों की मौत हो चुकी है। अब ये सुनाई आ रहा है सरकार की तरफ से कि तीसरी लहर भी आ रही है और इसका सीधा असर हमारे बच्चों पर यानी हमारी आने वाली पीढ़ी पर जा सकता है, तो प्लीज़ आप हमें बताइए कि जो तीसरी लहर आने वाली है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। देखिए, दूसरी लहर के बारे में सरकार ने और प्रशासन ने लोगों को जागरूक नहीं किया, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। हमारी जो ये सेकंड जनरेशन थी इसमें काफ़ी क्षति पहुंची गई, यंगस्टर काफ़ी इसमें हद तक जो है हमारे पास से चले गए हैं, और इसीलिए ये जो आने वाली तीसरी लहर है, अब इसमें बताया जा रहा है कि ये बच्चों के लिए काफ़ी ख़तरनाक है ना, यानी हमारी अपकमिंग जनरेशन उसके लिए ये बहुत ख़तरनाक है। तो इसलिए मैं सरकार से भी अनुरोध करना चाहूँगी और लोगों से भी अनुरोध करना चाहूँगी, भले लॉकडाउन खोल रहे हैं, चाहे वो फुल फ्लेज में खोल दे, लेकिन आपको अपने प्रोटेक्शन के लिए अपने को एक लिमिटेशन लगाना है, अपनी व्यवस्था और अपनी सुरक्षा हमें खुद करनी है, केवल सरकार और प्रशासन पर निर्भर नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि क्षति होती है तो हमारे लोगों को क्षति होती है। आज आप देखेंगे, जैसे इसका सबसे बड़ा एग्जांपल अपने को समझ में आया, सेकंड लहर में काफ़ी लोग मरे, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ क्या किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री मरा, क्या फर्स्ट लहर में या सेकेंड लहर में किसी राज्य का या जितने कैबिनेट में मंत्री बैठे हैं क्या इसमें से एक आधा मंत्री मरा? तो कौन मरा? आम इंसान मरा, मिडल मैन मरा। तो इसका एक सीधा सीधा पता चलता है कि उनके पास व्यवस्था है और हमारी लोगों की व्यवस्था ही उन्होंने खराब करके रखी है, तो हमारी व्यवस्थाएं हमको ही मजबूत करनी पड़ेगी। उन्होंने भले 100% खोल जाए, फुल फ्लेज से खोल दे, लेकिन हमारे लोगों को ध्यान रखना है कि बच्चों को ज़्यादा बाहर ना निकलने दें, अपने बच्चों के ऊपर लिमिटेशन लगाए, है ना, और हर प्रोटेक्शन के साथ, अगर लेना भी है वो बहुत अनिवार्य है तभी बच्चों को बाहर निकाला जाए, वो भी पूरे प्रोटेक्शन के साथ, अदरवाइज बाहर बच्चों को अलाउ ही नहीं किया जाए। और दूसरी बात, एक बहुत बड़ा ये बताएंगे, ये पहली और दूसरी लहर के कारण बहुत सारे युवाओं ने सुसाइड भी किया, मतलब ज़रूर नहीं कोरोना ने जान ली, भुखमरी महामारी के कारण, नाम पे जो है भुखमरी के कारण भी लोगों की जाने गई है, बहुत अच्छे अच्छे यंगस्टर लोगों ने सुसाइड किया है क्योंकि बिजनेसेस और ये सारी चीज़ें बंद हो चुकी थी। केवल 3 महीने के लिए, मतलब एक लहर, पहली लहर जाने के बाद 3 महीने के लिए अनलॉक हुआ था, और उसी में लोग एक अपना सपना सजा रहे थे कि अब हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, लेकिन उसमें उन्होंने पैसे लगा दिए, अपनी पूंजी लगा दी, और जो है एक बहुत ही बड़ा उनका सपना ये डार्क ब्लैक ड्रीम करके साबित हो गया, और ऐसे लोगों ने जो है सुसाइड भी किया हुआ है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि ये सरकार के तरफ से जो औद्योगिक लोग हैं, जो MSME में आते हैं, यानी मीडियम और स्मॉल स्केल के जो लोग हैं जिन्होंने उद्योग धंधा चालू किया था या बिजनेसेस किया था, ऐसे लोगों को जो है उन्होंने कुछ स्कीम के साथ उनको जो है कुछ रिलीफ फंड देना चाहिए और उनकी जो है मदद करनी चाहिए, ताकि आने वाला जो तीसरा लहर है ये भी खतरनाक है, तो डेफिनेटली उधर भी लॉकडाउन का चांसेस बनता ही है। अभी ऑलरेडी अपने यहाँ लॉकडाउन चल ही रहा है, खुला नहीं है 15 जून तक, इसीलिए देख रहे हैं कि ये जो 7 से 11 था उसको 2 बनाया और अभी 5 तक कर दिया गया है, तो इसमें वो लोग निरीक्षण ही कर रहे हैं कि किस तरह के आंकड़े आएंगे, किस तरह का ये बनेगा, और उसके हिसाब से वो 15 जून के बाद इस चीज़ को खोलने की कोशिश करेंगे या फिर उसको बंद कर रखना है, ये भी देखेंगे। तो आपको रिलीफ भी तो देना पड़ेगा लोगों को, आम जनता इतना झेल नहीं सकती भैया, आप अगर कंटिन्यू की 2 साल भारत बंद रखोगे, देश बंद रखोगे, राज्य बंद रखोगे, तो लोग खाना कहाँ से खाएंगे? सबकी सेविंग अकाउंट में पैसा नहीं है, आप लोग डालिए, फिर आपको लॉकडाउन करना है तो डालिए, लोगों को मजबूर मत करिए कि वो सड़कों पे उतरे और आपके खिलाफ जो है आवाज़ उठाए। आपको स्वयं ये चीज़ देखना चाहिए कि अगर कोई सामान्य इंसान है उसका इतना बैंक बैलेंस नहीं होता, आटी का 1 महीना की बात सही है, 2 महीना भी कोई गुजारा कर लेगा, लेकिन साल भर अगर आप उसकी बात होती है तो वो इंसान को सोसाइटी करने के बाद दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि वो कर्जबाजारी हो गया है, उसके ऊपर इतना कर्जा हो गया है आम लोगों के ऊपर कि अब उसको ऐसा लगता है कि मैं दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, तो वो वैसे ही सुसाइड कर रहा है। तो मैं सरकार से और प्रशासन से निवेदन करूंगी कि व्यवस्था बनाए रखें, और लोगों से भी निवेदन करेंगे कि व्यवस्था बनाए रखें, लेकिन व्यवस्था बनाए रखना इसका अर्थ ये नहीं होता कि अपने अधिकारों के प्रति जागरूक ना रहे, क्योंकि चालाकी कैसे सरकार व्यवस्था के नाम पर हमारे अधिकार भी छीन रही है, जैसे प्राइवेटाइजेशन कर रही है, आप देखिए एयरपोर्ट हो गया, LIC के ऊपर भी आ गया, जितने हमारी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर थी उसको प्राइवेट किया जा रहा है,
है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है हमको ध्यान रखनी पड़ेगी कि एक तरफ जहाँ आंदोलन हमको करना है तो आप घर से भी इसको साथ सहयोग कर सकते हैं, हमको सोशल मीडिया का बहुत अच्छा यूज़ करना चाहिए क्योंकि हम बाहर नहीं निकल सकते लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू अपना आवाज़ तो बन सकते। अभी मोदी गवर्नमेंट ने उसके ऊपर भी वो ला दिया, अंकुश लगा रहे हैं कि सोशल मीडिया पे अगर ऐसा ऐसा चीज़ दिखता है वो कंटेंट डालेंगे, एक आधा वर्ड डालेंगे कि ये वर्ड जिस भी इसमें रहेगा वो सारी पोस्ट गायब कर देंगे, है ना। तो ये बदमाशी जो है सरकार कर रही है क्योंकि उनको आम लोगों की आवाज़ दबानी है, लेकिन सोशल मीडिया एकमात्र ऐसा भी ये रह गया है क्योंकि आप देखिए ये जो बम्बा मामला हुआ ये किसी पेपर में नहीं आया या फिर सारे इसको एक्सपोज नहीं किया गया। क्यों नहीं एक्सपोज किया गया? क्योंकि और लोगों को बताएंगे कि लोग आक्रोश में हैं तो दूसरे लोग भी इसको साथ सहयोग करेंगे क्योंकि वो भी आक्रोश में है, तो एक हिम्मत मिल जाती है ना, एक से भले दो, दो से भले तीन, इस तरह से होता है। और अपना हक अधिकार लेने के लिए ये जरूरी भी होता है, तो अपना आक्रोश जरूर सोशल मीडिया के थ्रू जाहिर करें। और सरकार अगर कोई गलत काम करती है तो ये अधिकार हमको फंडामेंटल राइट दिया है संविधान ने कि हम अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं, और सोशल मीडिया उसका जरिया है तो सोशल मीडिया के थ्रू देंगे। और इसके लिए सरकार या कोई भी हम पे ऊपर अंकुश नहीं लगा सकता है, अगर ऐसा करता है तो ये लोकतंत्र की हार होगी और लोकतंत्र खत्म होने की बात चल रही है, इसीलिए इसके खिलाफ भी फिर आंदोलन होंगे। अगर आप लोकतंत्र खत्म करने की कोशिश करोगे क्या होगा, सरकार गिरेगी और क्या गिरेगी, है ना। तो हम लोगों से और सरकार से और प्रशासन से अपील करेंगे, तीसरी लहर आने वाली है उसके लिए भी हम लोगों को अपने ऊपर कंट्रोल करते हुए ही इस व्यवस्था का ये करना है और अपने हक अधिकार के लिए भी जागरूक रहना है। और आने वाले दिनों में अगर हमारे लोगों के इस तरह से डे बाय डे अगर अधिकार जाते हैं तो आने वाले जितने भी इलेक्शन हैं वो इलेक्शन होना नहीं चाहिए या ईवीएम से तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, उसके खिलाफ भी हम जो है एक्शन लेना चाहेंगे और एक्शन लेना हमारे लोगों ने चाहिए। ठीक है, आपने देखा कि आज हमने जिन भी टॉपिक पर बात की है जैसे कि किसान आंदोलन हुआ, कोरोना हुआ, बोमाबोन आंदोलन हुआ, एसटी महामंडल को लेकर जो आंदोलन हुए, और ऐसी ही जो बड़ी बड़ी घटनाएं हमारे शहर में होती रहती है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे सामने नहीं आती लेकिन आज इंजीनियर राष्ट्रीय मैम के थ्रू हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें सामने आई है, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू मैम, और तत्काल न्यूज़ में आने के लिए भी। और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए तत्काल न्यूज़ लाइव।